हेलो हाय गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमबी न्यूज़ 27 के इवनिंग बुलेटिन में। चीन और WHO की लापरवाही से मची दुनिया भर में तबाही, लाखों लोगों की गई जान, करोड़ों जिंदगियां हुई बेपटरी। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने मांगी भारत से कोरोना वैक्सीन। अमेरिका ट्रंप ने UK, आयरलैंड और ब्राजील पर लगे यात्रा प्रतिबंध हटाए, बाइडेन ने लगाई रोक। अपने विदाई भाषण में मेलानिया ट्रंप ने दिया संदेश, बोले हिंसा को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। WHO चीफ की चेतावनी, निष्पक्ष हो कोरोना वैक्सीन का वितरण, नैतिक विफलता के कगार पर है दुनिया। कोविड के खौफ के चलते 3 महीने तक शिकागो एयरपोर्ट में छिपा रहा भारतीय मूल का शख्स हुआ गिरफ्तार। भारत ने ब्रिस्बेन में रचा इतिहास, तो PM मोदी ने भी बढ़ाया टीम इंडिया का हौसला। समिति कोई जज नहीं, कृषि बिल पर बनी कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान के अलग होने पर बोले CJI। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की सीरीज जीत कर झूम उठा देश, PM मोदी और कई पूर्व प्लेयर्स ने ट्वीट कर दी बधाई। किसान नेता ने कहा 26 जनवरी को हमारी ट्रैक्टर परेड निकलनी तय, पुलिस ने जताई है परेशानी। राहुल गांधी, उनका परिवार और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे, JP नड्डा ने पूछे तीखे सवाल। मैं देश झुकने नहीं दूंगा, राहुल गांधी ने अरुणाचल में चीनी गांव बसने की खबरों पर PM मोदी को याद कराया वादा। सैंडलवुड ड्रग्स मामला, एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को फिलहाल SC से राहत नहीं। पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा 60 साल तक होगी, पंचायत राज के प्रस्ताव पर मुहर जल। ऐतिहासिक होगा इस बार का पंचायत चुनाव, मुखिया के घर के 100 मीटर तक नहीं बनेंगे बूथ। बिहार से रोजगार के लिए खाड़ी देशों में जाने वालों की अब पटना में हो सकती है मेडिकल जांच। पटना में हाई प्रोफाइल रुपेश सिंह मर्डर केस में एयरलाइंस की महिला कर्मी से पुलिस टीम ने की पूछताछ। BJP नेता सहनवाज और VIP सुप्रीमो सहनी की जीत तय, MLC सीटों के लिए नहीं हुआ कोई और नामांकन। बिजली चोरी की जांच के दौरान JDU नेता की दबंगई, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से मारपीट का आरोप। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कल, राजभवन में 11:30 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन, फिलहाल लटक रहा है राज्यपाल कोटे से MLC मनु नयन। भागलपुर के पूर्व कमिश्नर की बेटी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा 2.5 साल से बीमारी की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गई।